पुलिस ने कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही चोरियों के आरोप में दो महिलाओं सहित कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी 25 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी की वारदातों में शामिल हैं, जबकि पूछताछ में अभी और खुलासे होने की उम्मीद है। पकड़े गए लोगों में 3 मंडी, 1 पठानकोट और 5 लोग जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं, जिनमें नगरोटा वागमा का एक दंपत्ति भी शामिल है। सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल अरविंद, हेड कांस्टेबल विजय, आरक्षी वीरेंद्र और आरक्षी अजीत की टीम ने इस चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला शहर और इसके आसपास पिछले कुछ महीने से हुई चोरियों की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे थे, जिनके आधार पर पुलिस को इस चोर गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है। चोरी के आरोपियों से एक मारुति ब्रेजा कार को भी कब्जे में लिया गया है, जिसे ये आरोपी चोरी की वारदातों के इसमें प्रयोग में लाते थे। पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 लोग ज्वेलर हैं, जो कि चोरी के सामान को इनसे खरीदते थे। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संदर्भ में धर्मशाला थाना के प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि शहर सहित 7 लगत क्षेत्रों में चोरी की वारदातें हुई थी, जिनकी छानबीन के दौरान इस अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। इनमें 2 महिलाओं सहित कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 2 ज्वेलर भी शामिल हैं। ये ज्वेलर इन चोरों से चोरी का सामान खरीदते थे। आरोपियों को 22 अगस्त तक पुलिस रिमांड मिला है और पूछताछ में और भी लोगों के पकड़े जाने की संभावना है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने विनोद कुमार राहुल और हेमचंद निवासी मंडी, पवन कुमार निवासी पठानकोट और राखी गुरकड़ी सागर खोली मिलाप थारू और नगरोटा बागमा के दंपत्ति तारा और उसकी पत्नी रंजिता को गिरफ्तार किया है। इनमें से मंडी निवासियों को पुलिस ने 15 और 16 अगस्त को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य लोगों को पुलिस ने 17-18 अगस्त को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस थाना धर्मशाला में दिनांक 28/6/2020 को एक मुकदमा नंबर 106/2020 पंजीकृत हुआ था, जो पुलिस अधीक्षक कांगड़ा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के दिशा निर्देश तथा निरीक्षण में उपरोक्त मुकदमा की इन्वेस्टिगेशन की गई, जो करीब 2 महीने इस केस की छानबीन के बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मुख्य आरक्षी अरविंद तथा मुख्य आरक्षी विजय कुमार पुलिस थाना धर्मशाला के द्वारा पूरे मामले के अन्वेषण के दौरान अभी तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 मुख्य आरोपी हैं और 3 गोल्ड स्मिथ है और 4 जो व्यक्ति हैं वो उस चोरी शुदा सामान को खरीदने तथा बेचने में संलिप्त रहे हैं। जो इस मामले में आरोपियों के द्वारा एक विटारा ब्रेजा गाड़ी का प्रयोग किया गया था, उसको पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है तथा अभी तक इस मामले में 7 तोला सोना पुलिस ने रिकवर कर लिया है, 40,000 रुपये कैश भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एक आरोपी जो मटौर कांगड़ा का सुनार था, उसकी माननीय अदालत में पेश किया गया था, जो माननीय अदालत के द्वारा आज उसको बेल दे दी गई है। जो बाकी आरोपियों से भी पूछताछ जारी है, जो अभी तक इनके द्वारा जो अन्वेषण किया गया, अभी तक इन्होंने 4 जो चोरियाँ हैं धर्मशाला क्षेत्र में उनको कबूला है, जिनका अन्वेषण जारी है। इसके अतिरिक्त और भी चोरियाँ अन्य जिला तथा राज्य में जो उनके द्वारा की गई, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। इनसे और जानकारी उपलब्ध होने के बाद अन्वेषण अमल में लाया जाएगा। इनका हमने दिनांक 22 तक इनका पुलिस रिमांड हासिल किया, जिसमें इनसे पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने सोना, अतिरिक्त सोना कहाँ बेचा है तथा कौन कौन इसमें शामिल रहे हैं।